हेलो फ्रेंड्स, आतिफ खान वेलकम करता हूँ आपको आपके चैनल आतिफ प्रो आइडियाज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी फाइबर गिग जो है वो डी रैंक क्यों हो जाती है या वो सर्च रिजल्ट्स में क्यों नहीं शो होती। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं और फिर एंड में बात करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है कि हमारी जो गिग है वो दोबारा सर्च रिजल्ट में पहले पेज पर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली रीज़न जो है जिसकी वजह से हमारी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं शो होती वो है एवरेज सेलिंग प्राइस का जो है डिक्रीज होना। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है तो आपकी गिग जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपने एक गिग क्रिएट की और उसकी प्राइस आपने जो है $50 सेट कर दिए, तो अब आपकी एवरेज और आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आना शुरू हो गए। तो फाइबर की तरफ से आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $50 फिक्स हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, आपने एक और गिग क्रिएट की और उसमें आपने जो अपनी सर्विस है वो $5 में सेल करना स्टार्ट कर दी और आपको उस पर ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि अब आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है जो पहले $50 फिक्स थी वो जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको दोबारा $50 के ऑर्डर नहीं मिल रहे तो फिर वो जो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि आपकी जो गिग है वो सर्च रिजल्ट में जो है शो नहीं होती। जो फाइबर है वो उन गिग्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिनकी जो है एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड रीज़न क्या हो सकती है कि आपकी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट में नहीं शो हो रही, वो है आपका रिस्पांस टाइम का इंक्रीज होना। अगर फ्रेंड्स आप अपने बायर्स की रिक्वेस्ट को जो है जो अगर आप सही तरह रिस्पॉन्स नहीं टाइम पर कर सकते तो उससे भी आपकी जो है गिग वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब फाइबर ने में एक अच्छा फीचर आया है कि अगर आपका नाइट टाइम चल रहा है तो फाइबर आपकी तरफ से जो है आपके बायर्स को बोल सकता है कि ये इस पर्सन का नाइट टाइम चल रहा है तो इस पर जो है रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी रीज़न है। वो थर्ड रीज़न क्या हो सकती है फ्रेंड, वो है कि आपका जो है ऑर्डर कैंसिलेशन है वो इंक्रीज होगा। विद इन मंथ्स आपका जो है ऑर्डर कॉन्स्टेंटली कैंसिल हो रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपने क्या करना है, अगर जो मिस्टेकनली आपका बायर ऑर्डर आपको लगा दे तो आपने डायरेक्टली उसे कैंसिल नहीं करना बल्कि आपने कस्टम सपोर्ट के थ्रू उसको कैंसिल करना है। इस तरह आपका वो ऑर्डर जो है कैंसिल कंसीडर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी तीन रीजंस जिसकी वजह से आपकी जो गिग है वो डी रैंक होती है और सर्च रिजल्ट में नहीं शो होती। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या सलूशन है कि हमारी गिग दोबारा रैंकिंग में आ जाए, फर्स्ट पेज पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो है जो कि सोल्यूशन है कि आप अपनी जो गिग के टाइटल को है थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो फ्रेंड्स, आप अपने टाइटल में जो है मल्टीपल जो कीवर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक वीडियो में शो किया था कि आप कैसे गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये डिफिकल हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव डाटा। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक टाइटल में कैसे मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने यूज किया था कीवर्ड अपने टाइटल में नीश टारगेटेड ईमेल लिस्ट, इसमें तीन कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करके भी अपनी गिग को दोबारा रैंक करवा सकते हैं। इन कीवर्ड्स को याद रहे कि आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ये एक जो है मेथड है, आप इस तरह अपनी गिग को दोबारा रैंक करवा सकते हैं।
दूसरा फ्रेंड मेथड कह सकते हैं या सॉल्यूशन कह सकते हैं, वो है फेक ऑर्डर। यानी कि आपको दोबारा ऑर्डर मिले $50 का, तो फाइबर को ये लगे कि हाँ जी अब आपको दोबारा से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, तो वो आपको की गिग को दोबारा रैंकिंग में लाना शुरू कर देगा। लेकिन इसको मैं सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है पैसे खर्च होते हैं, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। लेकिन बहरहाल फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये भी काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको कुछ रीजंस बताए और फिर उसके बाद उनका सोल्यूशन बताया। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियोज आपको देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।